Hello everyone, today our topic is Czernowitz concept of acids and bases, which is given by Mikhail Czernowitz. In 1934, Mikhail Czernowitz modified the Lewis concept of acid and bases, and this concept is published in 1938. Czernowitz concept ne har ek acid base concept ki general definition ko include karne ki koshish ki thi, aur is concept ke andar hamare paas oxidation reduction reaction bhi involve ki jati hai. अगर हम बात करें सैंडविच कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड की, तो एसिड वो सब्सटेंस थे जो कैटायंस को दे देंगे रिएक्शन के अंदर, कंबाइन करेंगे एनायंस के साथ और बेस के साथ मिलकर सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे. अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद बेस फॉर्मिंग सॉल्ट गिविंग कैटायन, एंड थर्ड वन इज एक्सेप्ट एनायन और इलेक्ट्रॉन. अगर हम यहाँ दो टर्म्स की बात करें, फर्स्ट टर्म है हमारे पास रिडक्शन और सेकंड वन है ऑक्सीडेशन. अगर आपको रिडक्शन की कंडीशन पता हो, तो रिडक्शन की फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होती है कि हाइड्रोजन को गेन करेगा, सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और थर्ड कंडीशन हमारे पास होती है ऑक्सीजन को लॉस करेगा. इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होती है तो हमारे पास रिडक्शन होती है. इसका जस्ट अपोजिट हमारे पास ऑक्सीडेशन है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन. इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो जाती है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगी, रिडक्शन. और रिडक्शन कौन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो कौन से होंगे, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे. बेस की अगर हम बात करें सैंडविच कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो अ बेस इज अ स्पीशीज गिविंग अप एनायंस और इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन कौन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट. तो बेस जो होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट भी होंगे जो कंबाइन करते हैं कैटायन के साथ, और जो कौन से रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं. यही लिखा गया है. अदर वर्ड्स में अगर हम देखें, बेस इज अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद एसिड गिविंग अप एनायंस और इलेक्ट्रॉन्स और कंबाइन विद कैटायंस, जो कंबाइन करेंगे कैटायंस के साथ. एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, HCl plus NaOH gives us NaCl एंड H2O. HCl ने यहाँ पे H पॉजिटिव डोनेट किया है. इसका मतलब रिएक्शन में क्या दिया है, एक कैटायन दिया है. रिएक्शन में कैटायन दिया है तो HCl यहाँ पे क्या होगा, एक एसिड होगा. NaOH ने यहाँ पे रिएक्शन के अंदर OH नेगेटिव दिया है, एक एनायन दिया है रिएक्शन के अंदर. तो सैंडविच कॉन्सेप्ट के हिसाब से NaOH जो होगा वो एक बेस होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, Cu plus Cl2 gives us CO2 positive and Cl2 2 negative. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है और Cu ने Cl को दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और Cl ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है. जो स्पीशीज सैंडविच कॉन्सेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी वो हमारे पास कहलाती है एसिड. तो यहाँ पे ये एसिड है Cl, और Cu हमारे पास यहाँ पे किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है. अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को डिस्कस करें, आइडेंटिफाई करने हैं एसिड और बेस इस रिएक्शन में. फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है, Na2O plus SO3 gives us 2Na plus SO4 2 negative. Na ने यहाँ पे क्या दिया है, ऑक्सीजन. स्पीशीज जो एक्सचेंज हुई है इस रिएक्शन में वो ऑक्सीजन हुई है, एनायन हुआ है, ऑक्साइड आयन एक्सचेंज हुआ है O2 नेगेटिव. तो O2 नेगेटिव Na ने SO3 को दिया है, SO3 को O2 नेगेटिव इसने दिया है, एनायन को. तो Na2O क्या है, बेस है, और इसने एक्सेप्ट किया है तो ये यहाँ पे SO3 क्या है, एसिड है. सेकंड केस की अगर हम बात करें, 2NaCl2 गिव्स अस 2Na पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, इलेक्ट्रॉन किसने किसको दिए हैं, Na ने Cl को दिए हैं. Na ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो Na यहाँ पे बेस होगा, और Cl ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो Cl यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एसिड होगा. इसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन हुई है, 2Na पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव.
नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Fe2 पॉजिटिव। Fe3 पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो ये यहाँ क्या होगा, एसिड होगा। अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, यहाँ पे हमने क्या है ये रिडक्शन, और रिडक्शन किस में होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो एसिड जो है, हमने बात की थी कि यहाँ पे सैंडविच कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो एसिड होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहलाते हैं, और यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेस होगा, या आप इसको कह सकते हैं ये कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो थैंक यू, होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।